भूपेश बघेल ने पुलवामा हमले में देवेंद्र सिंह की भूमिका को लेकर संदेह जाहिर किया है। सीएम ने कहा है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा की घटना के समय वहां पदस्थ था। उन्होंने कहा कि जिस जगह परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां कैसे उसी गाड़ी को निशाना बनाया गया जो बुलेट प्रूफ नहीं थी। साथ ही आगे भूपेश बघेल ने कहा कि इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई। भूपेश बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी और शाह में मनमुटाव हो चुका है। मोदी के दूसरे कार्यकाल में सत्ता अमित शाह के हाथों में है। पुलवामा की घटना घटी थी जिसमें 40 हमारे जवान शहीद हुए थे, जिस सड़क पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसमें 350 किलो आरडीएक्स लेके पहुंचा कैसे, उसी गाड़ी को टक्कर कैसे मारी जो बख्तरबंद नहीं था, बुलेट प्रूफ नहीं था। और सवाल हमने ये भी किया था, आज इसकी जांच क्यों नहीं हुई। अभी जिस प्रकार से डीएसपी पकड़ाया है देवेंद्र, कि वही देवेंद्र है जो पुलवामा के घटना समय वहां पदस्थ था, ये वही देवेंद्र है जो अफजल गुरु को पहुंचाने का काम, दिल्ली पहुंचाने का काम किया है। ये सारी जानकारी छन छन के आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने